बैठूंगी योगा करने के लिए। और आज ऐसा कोई 3 या 4 बजे मैं उठी नहीं हूँ, क्योंकि इतना लेट सोई थी रात में, अपना काम भी कर रही थी कुछ लैपटॉप पे। 5:15 बजे आज मेरी नींद खुली है और एस्ट्रो भी उठ गया, मेरे साथ ही गया है वॉक पे। अभी आप देख सकते हैं कि स्वेटिंग कितनी ज़्यादा हो रही है सुबह से, मतलब उठ के इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, अभी बहुत गर्मी है। तो योगा करके उसके बाद नहाऊंगी, जाके क्लीनिंग वगैरह करूंगी, नहा के पूजा करूंगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि आज एक ही बार में ही सारा खाना बनाऊंगी ट्रेन के लिए भी, और वही खाना इन लोगों के लिए भी रख के जाऊंगी। एंड हमारे घर के बगल में ही टिफ़िन सिस्टम है, तो उनका यही काम है, जैसे सुबह शाम जो भी बोल दो, वेज खाना, ऑल टोटल वेज, तो जो भी बोल दो तो बना के और होम डिलीवरी करते हैं। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहीं पे बोल के जाती हूँ, तो व्हाट्सएप पे या कॉल पे बोल देते हैं कि भाई ये सब्जी रोटी इतनी चाहिए, तो वो दोनों टाइम भेज देते हैं। तो खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं रहूँगी तो फिर कौन बनाएगा खाना। और आंचल बना सकती है, बट वही है कि बच्चों का ट्यूशन है, जिम है, कॉलेज है, फिर एस्ट्रो को पूरा पूरा उसी को संभालना है, तो कहाँ से कुछ होगा। तो इसीलिए खाने के लिए बोल दिया है मैंने, सारी तैयारी भी करनी। मैंने अभी पैकिंग में कुछ भी नहीं किया है, आज मैं पैकिंग, नहाने के बाद में नाश्ता वगैरह करके तब मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगी। तो वही कुछ 5:30 की ऐसी कुछ हमारी ट्रेन है, अभी देखूँगी मैं, टिकट्स तो कन्फर्म हो गई हैं। तो बस अब जा रही हूँ योगा करने के लिए और उसके बाद सारा काम निपटाना है जल्दी जल्दी। और यही वाला सूट पहन के जाऊंगी मैं ट्रेन में, तो ये ना एकदम ढीला ढाला है और बहुत कंफर्टेबल है, तो ट्रेन में ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, तो बस यही पहन के जाऊंगी। एंड एप्रेन पहन के देखती हूँ, वैसे ही खाना बना लूंगी ताकि गंदा भी नहीं होगा। और अब सीधी जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद में अब थोड़ी थोड़ी पैकिंग अपनी स्टार्ट करूँगी और साथ ही साथ ही खाना भी बनाती रहूँगी। हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, माई नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माई लाइफ स्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आज दिन है शुक्रवार और आज की ही ट्रेन है, तो बस नहा के यहाँ पूजा कर ली थी एंड उसके बाद सीधा ही मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और ये एक रात पहले सारी सब्जियाँ जो भी मुझे बनानी है ट्रेन के लिए एंड घर के लिए भी, सब कुछ काट के रख लिया था। तो आधी किलो ये भिंडी काट ली थी एंड बड़े वाले जो करेला होते हैं ये थोड़े से कम कड़वे होते हैं, तो इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको ये देखिए, इतने पतले मैंने साइज़ में काट के रखे हुए हैं और बीज भी इसका फेंकना नहीं है एंड इसकी जो स्किन होती है इसको भी फेंकना नहीं है, तो इसको पूरा ही मिक्स करके इसकी सब्जी बनेगी। ये जो छिलके हैं ना, तो इसको भी यूज़ करना है मुझे, बस इसको खाली वॉश कर लूँगी एंड इसको, और ये जो छिलका है
तो इसमें सबसे ज़्यादा कड़वापन तो इसी में ही होता है। तो इसमें बस हिसाब से थोड़ा सा हाथ से पूरा ऐसे, क्योंकि इसको आलू जिससे छीलते हैं ना उससे छीला था, तो इसको इस तरीके से मसल के अच्छी तरीके से हाथ से, एंड उसके बाद इसमें थोड़ा ज़्यादा सा नमक मिला के रख देंगे, और उस 15-20 मिनट ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे एक से दो तीन पानी से, एंड अच्छी तरीके से इसको निचोड़ के निकाल लेंगे। तो इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच भर के नमक, एंड मिला के इसको 15 से 20 मिनट, जब तक और भी कोई मैं काम कर लूँगी तो फिर बस इसको मिला के रख देंगे, एंड फिर 2 से 3 पानी में इसको भिगो के डुबो डुबो के अच्छी तरीके से निचोड़ के पानी से निकाल देंगे। तो फिलहाल उसको नमक डाल के रख दिया है, और यहाँ ले लिए हैं 5-6 आलू। तो बनाऊंगी बादाम और आलू की सब्जी, जो कि घी में ही बनाऊंगी, और ट्रेन के लिए बेस्ट है, तो पूड़ी और पराठे के साथ में अच्छी ही लगती है, बट मैंने पराठे ही बनाए थे ट्रेन के लिए, क्योंकि पूड़ी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। एक तरफ आलू चढ़ा दिए हैं, और यहाँ चढ़ा दी थी भिंडी, तो भिंडी वैसे ही मैंने बनाई है, जस्ट जीरा का छौंक डाला है और हींग और नमक, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं डाला है, और 1 से 2 हरी मिर्च डाल दी थी। और यहाँ कर रही हूँ मैं मसाला करेला के लिए, तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कूट के ले लिया है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और 2-4 काली मिर्च लिए, बस और कुछ भी नहीं डालना है में, क्योंकि भागवत में जा रहे हैं तो फिर बिना प्याज लहसुन का ही ट्रेन से ही हम लोग लेकर जा रहे हैं, एंड खाएंगे भी नहीं हम इतने दिन। तो वहाँ मसाला पीस लिया था, और इसको भी करीब रखे हुए आधे घंटे के ऊपर हो ही गया है, तो इसको पानी में भिगो के मैंने इस तरीके से निकाल लीजिए। एंड उसके बाद में मैंने तो कम से कम 2 से 3 पानी में इसको धो लिया था, क्योंकि नमक भी ज़्यादा डालते हैं। इससे एक फ़ायदा होता है कि इसमें जो बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है वो नहीं होती है, और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एंड गारंटेड एकदम फ्रिज में मत रखिए, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी में भी 6 से 7 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, और ठंड में तो और भी ज़्यादा दिन चलती है। तो ये ट्रेन के लिए बहुत ही बेस्ट खाना है, ना तो ख़राब होता है ना कुछ। और इस वक्त मैं, मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं पहुँच चुकी हूँ वृंदावन, एंड मैं पोस्ट नहीं कर पाई हूँ वीडियो ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्शन, बाहर इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता है, और ऊपर से 1.5 घंटा हमारी गाड़ी लेट भी हो गई थी। और आपने देखा होगा कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने कम से कम 11 बजे के बाद ही किया है, क्योंकि जब होटल पहुँचे हैं तब जाके कहीं अच्छे से इंटरनेट आ रहा था मोबाइल में। तो फिर संडे व्लॉग मैं पोस्ट करूंगी, जो कि मैं नहीं करती हूं। तो यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है, और एक तरफ भिंडी चढ़ी हुई है, तो 2 चम्मच भर के लेडल मैंने डाला है सरसों तेल का, गरम हो गया है तो उसमें मैंने हल्दी डाली है एंड करेला डाल दिया है। तो बारी बारी एक एक करके एक बार करेला फ्राई कर लूँगी, एंड उसके बाद करूँगी जो बीज मैंने निकाल के रखे हैं उसको। तो यहाँ ये फ्राई हो गया था, और ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है तेल, तो इसी में मैं डाल दूँगी, यहाँ भिंडी भी बन के रेडी हो गई एंड करेला फ्राई हो गया है, तो इसी में मैं डाल दूँगी बीज। और इसको बस इस तरीके से थोड़ा मसल मसल दीजिए बीज को, जो थोड़े मोटे मोटे हैं, और इस तरीके से थोड़ा ये जो है स्पैचुला इससे थोड़ा प्रेस कर दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा। और उसको वहाँ बीज हो रहे हैं अभी फ्राई, और यहाँ उसी कढ़ाई को मैंने धो लिया है जिसमें भिंडी बनाई थी। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी का डाला है भर के, और यहाँ बना रही हूँ आलू और बादाम की सब्ज़ी। तो ये कच्चे बादाम ले लिए हैं मैंने, और इसको पहले फ्राई कर लूँगी घी में, और हल्का एकदम स्लो गैस पर ही फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करने के बाद में, जब तक ये फ्राई होता है, मैंने गैस को स्लो कर दिया है, और यहाँ डाल दिया है बीज, निकाल लिया था मैंने फ्राई करके, और फिर वो जो छिलके थे करेला के तो वो डाल दिए हैं। और ये मीडियम गैस पर ही मैं करूँगी, बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। तो बस इसको थोड़ा फ्राई ही करना है, और तब तक यहाँ पर बादाम भी फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो बस ये घी इतना ही काफ़ी है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, जीरा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा सी थोड़ी हल्दी डालूंगी, एंड बस साथ के साथ ही मैं आलू जो बॉईल किए थे उसको मैंने थोड़े मैश इस तरीके से किए हैं कि थोड़े मोटे मोटे टुकड़े में भी है वो, और 2 ही हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी है, नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी एकदम मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, एंड बादाम, यानी कि सारा ही सामान एक साथ इकट्ठा डाला है, एंड थोड़ा सा भून के इसको, अब इससे
सिर्फ हार्डली इसको एक मिनट के लिए मैं ढक दूंगी एंड उसके बाद मैं खोल रही हूँ और अब इसमें मैं डाल दूंगी हरा धनिया। तो यहाँ सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो कोई भी बिल्कुल हेडेक वाली रेसिपीज़ नहीं है तीनों में से कोई भी, तो बहुत जल्दी भी बनने वाली है एंड ट्रेवल के लिए तो बेस्ट है एकदम। तो बिना सोचे समझे आप ये सब्जियाँ बना के ट्रेवल में, स्पेशली ट्रेन में आप ले जा सकते हैं जहाँ की बाहर का खाना इतना सही नहीं रहता है, तो ये बहुत सही रहा हमारे लिए भी, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और उसी कढ़ाई में मैंने हाफ जो लेडल है उसका मैंने डाला है सरसों तेल, दो तेज़पत्ता और जो मैंने मसाला पीसा था वो डाल दिया है। और इसको बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अदरक, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मसाला वैसे ही जल्दी भुन जाना है। तो यहाँ भुन गया था एंड जितनी भी चीज़ें हमने करेले की फ्राई की हैं, करेला बीज एंड उसके छिलके, तो एक साथ सभी कुछ इसमें डाल देंगे और मिला देंगे। और आपको अगर बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो सब्जी तो उसमें अपने हाथ से ज़रा सा पानी आप छींटा देकर और ढक दीजिए, वैसे मैंने नहीं दिया है। और बस इसको इस टाइम पे मैंने नमक को बैलेंस कर दिया है, एक से डेढ़ मिनट के लिए बस खाली इसको मैं ढक दूँगी। तो इसको आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और करेला है इसलिए ऐसा नहीं कि ये कड़वा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और हमने अपना काम इसी से चलाया है। अभी हम होटल में जब आए हैं तो इतनी रात हो गई थी क्योंकि ट्रेन भी इतनी लेट हो गई थी, तो हमने इसी से काम चलाया है, बस यही सब्ज़ी बची हुई थी। तो ये बहुत अच्छी है एंड बिल्कुल कड़वी भी नहीं थी। तो यहाँ तीनों ही सब्जियाँ बन के रेडी हो गई हैं। फटाफट मैंने गूंद लिया है आटा और ट्रेन के लिए भी पराठे बनाऊँगी देसी घी के, और इन दोनों के लिए भी मैं घर पर पराठे बना के ही जाऊँगी। अभी सब्जी सारी बन गई है, भिंडी आलू बादाम की सब्जी और करेले की सब्जी। और अब आटा गूंदा है, पराठा ले जाने के लिए भी बनाऊंगी, ये लोग के लिए भी बनाऊंगी। कितने बज रहे हैं पता है? 12:15 और 3 बजे हमें यहाँ से निकलना है 3:15 में। अभी तक एक भी चीज की पैकिंग मैंने नहीं की है। अब बस आंचल को मैंने बुलाया है, वो पराठे सिकवाएगी और मैं बन दूंगी। मैं तो बेल बेल के जल्दी से हट जा रही हूँ, वो सेकती रहेगी। बहुत टाइम हो गया सुबह से काम करते करते, एक सेकंड के लिए भी बैठी नहीं हुई है। बर्तन रखे हुए हैं ये भी मैंने हटाए नहीं है, हल्का सा यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्लीन किया है बस। और अब तो मैं बस बनाऊंगी, पैकिंग करूंगी और भागूंगी। आंचल आजा। और बस फिर फटाफट मैंने पराठे बेल बेल के एक प्लेट में रख दिए थे एंड उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ रूम में, क्योंकि अब टाइम भी हो चला है एंड 3 या 3:15 हार्डली हमें निकलना ही है हावड़ा स्टेशन के लिए। तो फिर बस यहाँ पे मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है एंड ये जो पेयर्स लिए थे ये मैं सारे ही लेकर जा रही हूँ। और येलो वाला जो है वो थोड़ा ऐसा है कि जैसे मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। और यहाँ देख लीजिए, इसकी पूरी मैचिंग का ही ये पैंट मेरे पास था, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैच हो रहा है। एंड दुपट्टा वो जो डार्क ग्रीन है ना, तो बस वो मैं काम चला लूँगी, येलो में अच्छा भी लगेगा। तो एक्स्ट्रा मैंने उसके लिए कोई दुपट्टा ख़रीदा नहीं है। एंड मैंने जितने भी यहाँ पर सूट के पेयर ख़रीदे हैं ये मैं सारे ही लेकर जा रही हूँ, तो मुझे और ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैंने अपना एक जो नायरा कट वाला है ना, पिछला वाला आजियो हॉल शॉपिंग में जो मैंने दिखाया था वाइट एंड पिंक, तो वो मैंने ले लिया है, वो मुझे बड़ा पसंद है। तो मैंने एक पेयर बस एक्स्ट्रा में अपना ले लिया है ताकि डेली ही अलग अलग कपड़े पेयर मैं वेयर कर सकूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने पैकिंग की और अब मैं पैक करने लगी हूँ। यही वाला मैं अपना हैंडबैग लेके जा रही हूँ, तो ये थोड़ा बड़ा भी है और अभी अच्छे में मेरे पास यही हैंडबैग है, बाकी तो सारे बेकार ही हो गए हैं यूज़ कर करके। तो वहाँ पैकिंग कंप्लीट हो गई है और अब यहाँ लगा रही हूँ। बस यही वाले डब्बे ले आए थे बाज़ार से, यूज़ एंड थ्रो वाले, तो इससे क्या है कि सामान भी घटेगा, खाना जब खाना हो जाएगा तो डब्बे हम थ्रो कर देंगे, तो ये सही है। तो भिंडी आलू बादाम की सब्जी और करेले की सब्जी और 12 से 14 पराठे रख लिए थे ताकि अभी शाम को हमारी ट्रेन है तो रात के खाने में भी खाएंगे, सुबह नाश्ते में भी थोड़ा खा लेंगे एंड फिर दोपहर को भी हम खा लेंगे। तो इस हिसाब से मैंने खाना लगा दिया था एंड बाकी इन लोगों के लिए मैंने खाना यहाँ पर
छोड़ दिया था। तो यहाँ पैकिंग कर ली थी और अब मैं जाऊँगी सबसे पहले खाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी खाना अभी अपना खाया नहीं है। और इस बार तो हम इतनी जल्दी पहुंच गए थे हावड़ा स्टेशन के, ताकि आप समझ लो कि ऑलमोस्ट पूरा सवा घंटा से भी ज़्यादा हम बैठे हैं वहाँ पे। उसके बाद में फिर ट्रेन आई है और तब हमने ट्रेन पकड़ी है अपनी, तो इस बार तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो यहाँ पैकिंग हो गई है, खाना बनाना हो गया है, खाना ट्रेन के लिए लगाना भी हो गया है, तो यहाँ बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। एंड उसके बाद में अभी फिर मैं अपना तिलक खुद ही करके निकली थी कि आंचल फिर पूरा एस्ट्रो को सुबह से संभाल रही थी, उसको खिलाना पिलाना एवरीथिंग, तो अभी उसका कुछ नहाना वहाना हुआ नहीं है, तो मैंने अपने आप से ही अपना यहाँ पर तिलक किया है। एंड ऑफ कोर्स जब निकल रहे हैं तो सबसे पहले धन्यवाद और भगवान जी को प्रणाम तो करना ही है, तो बस भगवान जी को प्रणाम करके अपना तिलक करके और दही खा के निकलते हैं हमारे घर से। तो थोड़ी सी ज़रा सी दही मैंने ले ली है एंड बस अब टाइम हो गया है, तो टैक्सी बुला ली है बाहर में और मम्मी को मैंने बोल दिया है कि आप नीचे उतर जाइए। तो बस यहाँ पर मासी को ही समझा रही हूँ, आ गई हैं मेरी हाउस हेल्पर कि थोड़ा संभालिएगा पीछे से अच्छे से। और यहाँ देखिए ये मतलब मेरे को ज़रा सा भी मेरे पास आ नहीं रहा था, क्योंकि इसको समझ में आ गया है कि जब भी ये सूटकेस निकलता है तभी कोई ना कोई इतने दिन के लिए घर से जाता है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो बस इसको और आंचल को दोनों को ही प्यार करके उसके बाद में मैं निकल गई थी स्टेशन के लिए। और वैसे आंचल हो गई है बड़ी, मगर फिर भी मैं कुछ दिनों के लिए भी बाहर जाती हूँ तो थोड़ी उदास हो जाती है एकदम, जैसे ऐसे लगता है रोने जैसा मुंह उसका, तो इस तरीके से होता है उसका। और ये यहाँ इतना भौंकने लग गया था, फिर उसके बाद में मैंने बोला कि गेट लगा लो और यहाँ पे बस बैठ गई हूँ। यहाँ भैया आ गए हैं मम्मी का सामान लेके, एंड मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब शुक्रवार की हमारी ट्रेन थी और थर्सडे शाम से इनको फीवर आ गया था। मैंने बहुत बार बोला कि आप मत जाओ और क्या टिकट करा देते हैं कैंसिल, तो 3-4 दिन बाद की हम टिकट्स करा लेंगे, बट इन्होंने बोला कि नहीं नहीं चलो चलते हैं, टिकट्स बन गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वायरल चल रहा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी बिहारी जी हैं ना साथ में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस बिहारी जी का नाम लेके और निकल गए और यहाँ पहुँच गए हैं हावड़ा स्टेशन और कुली कर लेते हैं हम लोग, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि कुली को पूरा कोच बोगी नंबर सीट सब कुछ मालूम रहता है, अच्छी तरीके से बिठा देते हैं। एंड हमारे साथ कोई मेल भी नहीं है तो हम दो लेडी ही हैं, तो बस यहाँ बैठ के हमने काफ़ी देर वेट किया। एंड उसके बाद में फिर मम्मी का टाइम हो गया दवाई खाने का, तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी, मैंने सोचा कि कुछ चाय या कॉफ़ी सामने मिल जाए, तो बस वही लेने के लिए मैं चली गई थी। इस बार तो जल्दी आ गए स्टेशन और अभी 5 बजने में भी 5 मिनट बाकी है और ट्रेन है हमारी 5:45 की, यानी कि 5:45 बजे की, तो ठीक है आके थोड़ी देर बैठ जाओ वो ठीक है, वरना वही सीन हो जाता कि भाग रचना भाग। तो बस यहाँ बैठे हुए हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कल शाम से उनको बुखार आ गया, मैंने मना किया कि ठीक है 3-4 दिन बाद के टिकट्स फिर से बनवा लेंगे कैंसिल करवा देंगे, मगर नहीं मानी, बोल रही थी कि ठीक है बाकी बिहारी जी सब ठीक करेंगे चलो, तो एंटीबायोटिक खा रही हैं, 99 अभी भी है टेम्परेचर, तो वही अभी आई हूँ चाय कॉफ़ी कुछ लूँगी, एक पैकेट बिस्किट, ज़रा दवाई खाएंगी मम्मी, अभी भी कम से कम कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 45 मिनट बाकी है ट्रेन जाने में और बिल्कुल लास्ट में हमारी बोगी है, बस चाय लेके जा रही हूँ। तो यहाँ ये चाय और ये 50-50 बिस्किट ले लिए थे, तो एक एक चाय दोनों ने और कुछ थोड़े थोड़े बिस्किट हमने खा लिए थे, मम्मी को दवाई भी खानी थी, उसके बाद फिर ट्रेन में आ गए थे। एंड अब कुछ 15-20 मिनट बाकी है ट्रेन छूटने में, इसमें एकदम भी ना तो पंखा है ना एसी, तो मैं बाबा जी महाराज धूप में जब गाड़ी चलेगी तब लोग चलो। अभी आके अभी जस्ट बैठे हैं और 15 मिनट बाकी है ट्रेन छूटने में, इस बार तो सही रहा कि कम से कम हम लोग पता है
चार बज के 5 मिनट 10 मिनट पे कुछ हावड़ा स्टेशन पहुंच गए एंड तब से हम बैठे हुए हैं और इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कितना समझाया, घर में सबने समझाया कि और 5-6 दिन बाद की टिकट्स बना लेते हैं। कल शाम से फीवर आ गया, जैसे वायरल चल रहा है, तो एंटीबायोटिक खा के भी आई हैं, बोल रही हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बाकी बिहारी सब ठीक कर देंगे। तो बस उन्हीं का नाम लेके निकल गए घर से, अब बैठ गए ट्रेन में। अब 15-20 मिनट के बाद में छूट जाएगी ट्रेन। और नॉइज अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, पंखा भी नहीं चल रहा है फिलहाल, एसी 2 टायर है, बट एक भी नीचे की हम लोगों को लोअर बर्थ अभी मिली नहीं है। अब देखते हैं क्या करते हैं, स्पेशली मम्मी के लिए चाहिए लोअर बर्थ। तो बस अब 15 मिनट के बाद चलेगी ट्रेन, फिर देखते हैं। नहीं पानी, ठंडा पानी बोर्ड है, पानी बिस्लेरी जो लाची जो लो ठंडा। तो चलिए ट्रेन अब छूट गई है एंड सबसे पहले तो जय श्री राधे श्याम आप सभी को। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।